सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम के तहत की गई आपराधिक शिकायत के बाद यदि पक्षकारों ने इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है तो उपरोक्त शिकायत के तहत कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। न्यायमूर्ति ए एम कांविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ द्वारा पारित आदेश में पाया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था के बावजूद कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया है, दोनों के बीच होने वाली कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया। यह माना गया था कि उच्च न्यायालय को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए था कि पक्षकारों ने अपने सभी मतभेद सौहार्दपूर्ण हल कर दिए हैं और शिकायतकर्ता द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई सहित विवाह से संबंधित सभी कार्रवाई को बिना शर्त वापस ले लिया गया है। मामले के तथ्य। मामले के संक्षिप्त तथ्य हैं कि शिकायतकर्ता ने दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4, आईपीसी की धारा 498 ए के तहत शिकायत दर्ज की थी। उक्त कार्रवाई के सम्मन प्राप्त होने के बाद याचिकाकर्ता ने वैवाहिक कार्रवाइयों में पक्षकारों के बीच सेटलमेंट डीड निष्पादित निपटारे पर निर्भर अन्य बातों को खारिज करने के लिए आवेदन दायर किया। सेटलमेंट डीड के खंड 4 को नियमानुसार पढ़ा जाए कि एक दूसरे के खिलाफ उनकी शादी से संबंधित सभी मामलों को बिना शर्त वापस ले लिया जाएगा और एक दूसरे के खिलाफ शादी से संबंधित कार्रवाई को स्वचालित रूप से निपटा दिया जाएगा और दोनों पक्षों को एक दूसरे की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाएगा। दोनों पक्ष वैवाहिक दायित्वों से मुक्त होकर एक दूसरे से अलग अलग रहने के लिए स्वतंत्र हैं। पार्टियों के बीच कोई लेन देन शेष नहीं रहेगा। पक्ष 3 अपनी शादी से संबंधित एक दूसरे के प्रति कोई विवाद या कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा और शादी से संबंधित सभी अधिकार संबंध समाप्त होने पर विचार किया जाएगा। पार्टियां फिर से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विवाद में नहीं है कि निपटान के बाद अंत में वैवाहिक कार्रवाइयों का निपटान किया गया है। आदेश का देशव्यापी प्रभाव होगा क्योंकि यह केवल पति पत्नी के बीच ही नहीं बल्कि अन्य रिश्तेदारों के साथ भी है जिन्हें 498 ए शिकायत में आरोपी बनाया गया है। इसलिए यदि पति और पत्नी अपने विवादों का निपटारा करते हैं तो आपराधिक शिकायत अन्य आरोपी रिश्तेदारों के खिलाफ भी नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।